जैसे जैसे बसपा का गठबंधन मजबूत होता जा रहा है पूरे देश के अंदर, वैसे ही बहुत सारी खबरें देखने में आ रही हैं। अभी बसपा के एक बहुजन समाज के बहुत मजबूत नेताओं में से एक थे, जो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर थाना क्षेत्र में उत्तरांचल बिहार कॉलोनी में बदमाशों ने सोमवार को मॉर्निंग वॉक करने जा रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता शब्बर जैदी को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव की पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बसपा नेता शब्बीर जैदी 55 वहटा हाजीपुर गांव में रहते थे। सोमवार की सुबह करीबन 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए वह घर से बाहर निकले थे। वह सहज भाव से मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी घर में से महज 100 मीटर की दूरी पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनको अपना निशाना बनाया और ताबातोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों को सूचना मिलने पर पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बॉर्डर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है। यह है, जब इस देश के अंदर नेता तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल भी घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए आपका एसएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।